जनपद फरुखाबाद कस्बा कंपिल में 3 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। आपको बता दें, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। ये घटना कंपिल की है। घर के बाहर खेलते समय आरोपी बालिका को उठा ले गया। खेत में गंभीर अवस्था में बालिका मिली। 3 वर्षीय मासूम बालिका इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना मंगलवार को सामने आई। घर के बाहर खेल रही एक 3 साल की बच्ची को पड़ोसी उठा ले गया, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को बेसुध हालात में वहीं पर छोड़ गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 3 साल की बालिका मंगलवार दोपहर घर के बाहर खेल रही थी। उसके पिता मजदूरी करने गए थे, मां घर में खाना बना रही थी। इसी बीच आरोप है कि पड़ोस का ही रहने वाला गुरुनाम उर्फ ऋषभ आ गया और मासूम को उठाकर खेतों की तरफ ले गया, जहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और वारदात को अंजाम दिया। और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार भी हो गया। काफी देर तक बालिका के घर ना पहुंचने पर परिजन ढूंढते हुए खेतों की तरफ गए, जहां उनकी बालिका रोती बिलखती मिली। उसकी हालात काफी खराब थी, दर्द के मारे वह कराह रही थी। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और लिखित तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पीड़ित बालिका को चिकित्सीय जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या हुआ बच्ची के साथ आपकी? बच्चा के नीचे था, हम ऊपर रोटी बना रहे थे। अच्छा, छत पे आप थी? अच्छा, छत पर। और वो जगह है ना, यहाँ हमारे कम ही है, 12 रहे। अब जो लड़का उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनको गांव को चाचा की लड़का लगा। अच्छा, इस बच्ची के? हाँ, गांव को चाचा की लड़का लगा। तो मतलब एक तरीके से भाई लगता है, चाचा का लड़का भाई हुआ। हाँ, गाँव का है। तो वही खेलता रहा, रोज खेलता रहा, और मैं खेलता रहा, सब खाना खाता रहा, सो जाता। उन्हें लड़का भी दिमाग का आई, तो जब लड़के लड़की ने घर आ रही थी, ये रोए रही थी, मेरी क्या बात है, क्या बात कि ऐसा है कि खून आ रही है, क्यों कि टुकड़ा ने हमारी कच्छा उतारी, हमें आंगड़िया फुंगड़िया डाली और खा ली। और ऐसे जो बच्ची बता रही थी वो, फिर उसके बाद आपने थाने में शिकायत करी? थाना में ना शिकायत करी, हम जा सब जने जा कह रहे कि देखा तुम आए कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करो, डॉक्टर ट्रीटमेंट करो, ब्लड आ रही, टाँके फोंके लगाओ, तब रही पटकन में जा। हाँ, मम्मी काय मनते घूमते रहे घूमते रहे, डॉक्टर मना करते। तो आपको पुलिस लेके आई है? हाँ, या कह रहे कि पुलिस लेके आओ, तब जाए। अच्छा अच्छा, तो आप फिर अस्पताल लेके आई है, पुलिस साथ में है आपके? पुलिस साथ में लेके आ गए। अच्छा, उस लड़के का नाम क्या है? हा? उसका नाम क्या है? कितने साल का हुआ लगा? देखो, बोलता है नहीं, बाकी नाम अर्जिनल आए और तेरे सब आए। अच्छा, नहीं, उम्र कितनी होगी उसकी, लड़के की उम्र कितनी होगी? 18 साल आए। 18 साल। अच्छा, वो तो फरार हो गया, हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया उसे? नहीं, पुलिस जा रही है, पकड़ा नहीं। तो वो अभी मिल नहीं रहा है? अरे, हमें पता नहीं। आप तो निकल गई थे घर से? हैं, कंपिल के क्षेत्र पर घटना हुई के संबंध में डिटेल बता दीजिए। आज दिनांक 21/9/2021 को करीब 3:30 बजे थाना कंपिल पर वादी अमर सिंह के द्वारा आकर तहरीर दी गई और बताया गया कि उनकी लड़की, जिसकी उम्र 3 वर्ष है, वो सुबह 10 बजे अपने गांव रसीदाबाद तिवारी में अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी वहाँ पर उनका जो एक पड़ोसी लड़का है, उसके द्वारा आकर उसके साथ गलत काम किया गया। और जब वो चिल्लाई तो उनकी लड़की की जो माँ है वो तुरंत से बाहर निकल के आई, तो लड़का वहाँ से भाग गया। इस संबंध में तुरंत से थाना कंपिल पर उचित धाराओं में FIR दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो लड़की है उसका मेडिकल करवाया जा रहा है, लड़की बिल्कुल ठीक है। और इसमें 2 टीम लगाई गई है, जो इसमें नामजद अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कर आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।